हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन कर दिया। दैट मींस अब 14 अप्रैल तक हमारी कंट्री लॉकडाउन फेस करेगी। लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये कोई स्ट्रिक्टली अभी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी इट मींस कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। सर, ये करना बहुत ज़रूरी था। सिचुएशन दिन पर दिन वर्स्ट होती जा रही है और ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हमें पीएम के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपने घर पर बैठकर, अपने घर पर रहकर अपनी कंट्री को बचा सकें। ये सर हम लोगों की ड्यूटी है। मैं भी देख रहा था कि कुछ लोग बड़ी स्टूपिडिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर ये तो वेकेशंस आ गई हैं, क्यों ना हम बाहर घूम ले। पता नहीं क्या बाहर देखने जा रहे हैं कि बाहर खाली है, किस तरीके की सरफेस है। सर, आपको घर पर बैठने की इंस्ट्रक्शन दी है, घर पर बैठ कर आप अपने आप को बचा सकते हैं। आई डोंट नो क्यों वो लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाओगे, खुद को भी ख़राब करोगे, अपनी फैमिली को भी ख़राब करोगे और पूरी कंट्री में ये बीमारी को फैलते चले जाओगे। सर, हमसे इतने एडवांस देश जैसे कि इटली, चाइना, ईरान, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने रिसोर्सेज हैं। यूएसए हो गया, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। तो सर, आप ये देखिए कि हमारी कंट्री तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, तो हमारे लिए अगर ये सिचुएशन बढ़ गई तो सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पीएम सर ने ये जो बोला है, तो सर आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ गई, इंडिया जैसी कंट्री में अगर ये चीज़ बढ़ गई, तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हम 21 दिन तक क्या करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सर, सबसे पहली तो मेरी अपील उन लोगों से ले है, कृपा करके अपने घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। अपने घर पर बैठिए, अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अपनी पढ़ाई पर पूरी फोकस करिए। अभी 21 दिन का टाइम पीरियड आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। स्टडी एज मच एज यू कैन, साथ साथ अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना है, लेकिन जितना टाइम हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे जो अननेसेसरी मैसेजेस आते रहते हैं उन सब में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ सुनिए, कोई बात नहीं सर, सिचुएशन है, सब फेस कर रहे हैं, तो सर आप लोगों को ही फेस करनी पड़ेगी। और आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीएसए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, तो सर वैसे भी आप लोगों को तो हार्डशिप फेस करने की आदत हो चुकी है, तो सर एक और हार्डशिप समझ लो। तो जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों से बात करके फियर क्रिएट करने की, पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास मटेरियल है उससे पढ़ाई कीजिए। सर हमारी क्लास, बच्चों के दिमाग में सर हमारी क्लासेस बीच में रुक गई हैं, हमारी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी भी तो करी है, सेल्फ स्टडी भी तो करते होंगे। क्लासेस करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल भूल जाओगे, सेल्फ स्टडी का अब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, जितनी क्लासेस आपकी हो गई है तो कोशिश कीजिए कि बाकी के टॉपिक्स आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कीजिए। मैं भी एक फैकल्टी हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों तक जितना हो सके रिसोर्सेज को पहुँचा सकूँ, क्लासेस को पहुँचा सकूँ, लेकिन सर लिमिटेशन है, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा। अभी आप देखिए, आपको लगेगा कि सर आप बोल रहे हो लेकिन आप तो अपने ऑफिस में बैठे हो। सर मैं आपको साफ बता दूँ, मेरा ऑफिस घर के नीचे ही है और बिल्कुल इस समय खाली पड़ा हुआ ऑफिस। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, एक मिनट को कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए सर, मेरा ऑफिस बिल्कुल इस समय खाली पड़ा हुआ है, कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं है। और सर लिमिटेशन की वजह से मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी जितनी मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों तक लेक्चर्स पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पैनिक क्रिएट नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं है। जितनी चीज़ें आपके पास है सर पढ़ाई करते चलिए। बच्चों को लग रहा है सर मेरी कुछ बुक्स लाइब्रेरी में रह गई हैं, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। इंटरनेट सर्विसेज तो बंद ही नहीं है, इंटरनेट सर्विसेज तो ओपन है, तो सर जाके मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। यूट्यूब पर कई सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैं अपने लेक्चर्स टाइमली कुछ ना कुछ अपलोड करता चला जाऊँगा, तो सर वहाँ से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। पैनिक नहीं क्रिएट करना, टाइम बिल्कुल भी मत खराब कीजिए। सर अब मेन दुख मेरे को किन के लिए हो रहा है, जो बच्चे बाहर से आकर दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो जो बच्चे दिल्ली से बाहर से आए हैं और दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, अब उनकी सिचुएशन सर आप लोगों से वर्स्ट है। जो जिनका घर बाहर दिल्ली में ही है, अपने शहर में ही है, तो सर उनको तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके साथ उनकी फैमिली है। लेकिन उनके बारे में सोचिए कि जो बच्चे बाहर से आए हैं,
सर जो बच्चे बाहर से आए ना, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट्स टू देम, मैं रियली उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने पीजी में अपने हॉस्टल में बैठे हुए हैं और उनको पता है कि भाई मेरी फैमिली दूसरी स्टेट में है। अब मन में टेंशन रहती है कि अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को भी ठीक रखना है और अपनी फैमिली, ये भी मन में प्रार्थना करनी है कि अपनी फैमिली भी ठीक में रहे। तो सर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए और कंटिन्यूसली अपनी फैमिली से बात करते चलिए। सर उन लोगों को, आपकी फैमिली को भी आपकी टेंशन है और आपको भी आपकी फैमिली की टेंशन है, तो कंटिन्यूसली उनसे टच बना के रखिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते चलिए। तो सर जो बाहर से आए हैं तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब कई सारे मैसेजेस बच्चों के आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। देखिए सर इस स्टेज पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा स्टेप लेके आएगा और एग्ज़ाम के कुछ ना कुछ आप लोगों को रिलीफ ज़रूर 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 देगा, और सर देनी भी चाहिए, इस समय बहुत ज़रूरत है। और अगर इंस्टीट्यूट का कोई मेंबर, अगर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का कोई मेंबर इस वीडियो को देखेगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर बच्चों के लिए कुछ कीजिए, उनके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ उनको रिलीफ दीजिए, इस समय बहुत रिक्वायर्ड है इस चीज़ की। दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी डीमोटिवेट फील करें, कभी भी आपको डर लगे, तो सर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पर्सनल डिटेल्स आपको दूंगा, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर, अपनी पर्सनल मेल आईडी, तो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, मेल पे मुझे मेल करके, कांटेक्ट करके सर अपने दुख को या अपने डर को हल्का कर सकते हैं। सर जितना हो सकेगा, देखिए जैसे सिचुएशन में आप है वैसे सिचुएशन में हूँ, आप ही अपने घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी अपने घर पे बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो डर है उसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को ज़रूर लेने हैं, इस महामारी को, इस कोरोना वायरस को हमें जल्द से ख़त्म करना है। सर सबसे पहली प्रिकॉशन, बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। दूसरी चीज़, अपने हाथों को कंटिन्यूसली साबुन से धोते रहिए। तीसरी चीज़, टाइमली अपनी चीज़ों को सैनिटाइज करते चलिए, अपने चेहरे को मास्क से कवर्ड रखिए। सर ये सब प्रिकॉशंस आपको लेके चलनी है। अच्छा सर, अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी उनके माइंड में भी ये हो कि सर 21 दिन का लॉकडाउन होने वाला है, तो क्यों ना राशन इकट्ठा कर लूँ, दूध इकट्ठा कर लूँ, ऐसा सर लोग मार्केट में कर रहे हैं। राशन की शॉप पे जाके देखिए सर, भीड़ लगी पड़ी है, जबकि उन लोगों को ये नहीं पता कि अरे भीड़ से ही तो ये चीज़ फैलनी है। अब उस भीड़ में पता नहीं किसी ना किसी पर्सन को अगर जरा से भी सिम्टम्स हुए, तो सर वो पूरी भीड़ अफेक्टेड होती चली जाएगी। तो मैं आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको रोकिए, उनको बोलिए कि सरकार ने कोई भी नेसेसरी सर्विस को बंद नहीं किया है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सर जैसे वो अभी मिल रही हैं वैसे वो आगे भी मिलती चली जाएंगी। अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अननेसेसरी चीज़ों को स्टोर कर लेंगे तो जो सप्लायर है, जो दुकानदार है, उसके पास चीज़ें शॉर्ट पड़ जाएंगी, शॉर्ट पड़ जाएंगी सर वो महंगी बेचनी शुरू कर देगा, अननेसेसरी वो चीज़ों की कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ाता चला जाएगा। तो सर ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिए, सरकार ने इन चीज़ों को बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। आप न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी एसेंशियल सर्विसेज, सारी नेसेसरी सर्विसेज ओपन है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है सर, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना आप लोगों को, ठीक है जी। बताइए जी, आई होप आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे मोदी जी का और अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की इंस्ट्रक्शंस का भरपूर पालन करेंगे, ठीक है जी। चलिए सर, इतना मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड वी हैव टू फाइट दिस डिजीज़ बाय स्टेइंग एट होम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।